हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एंकल की वेरिएशन में जब दूसरा अपोनेंट डिफेंस कर लेता है, जब हमें वहीं की वहीं दबा लेता है और कुछ करने नहीं देता, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरी पार्टनर है आज नैन्सी, बहुत अच्छी पहलवान है, नेशनल मेडलिस्ट है, अभी इसका फेडरेशन कप में ब्रोंज मेडल आया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंकल में घुसने के बाद हमें अगला अपोनेंट रोक लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं इसके एंकल में गई तो इसने मेरे को यहाँ रोक लिया, ये कुछ करने नहीं दे रही, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। पहली चीज, हाथ चेंज करके उसके घुटने पे लूंगी और ये यहीं गट्टे पे, जैसे मैंने ये ग्रिप ले रखी थी इसको मैं चेंज करके हाथ ये और दूसरा हाथ ये टाइट पकड़ के, ये है ये, यहाँ से पकड़ूंगी दूसरे हाथ से यहाँ, और जो मेरा शोल्डर है उससे पुश करूंगी यहाँ, ये आगे की तरफ, आगे की तरफ पुश करना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहां इसने रोक लिया तो मैं हाथ चेंज करके आगे की तरफ ले रही हूं, नहीं जा रही नहीं जा रही, तो यहां मैं क्या कोशिश करूंगी, अपना हाथ निकालने की कोशिश करूंगी, ये है हाथ चेंज किया और कमर पे लेना, कमर पे लेने के बाद जैसी पोजीशन आएगी उस हिसाब से मैं एक्शन करूंगी। अगर इसने हाथ यहीं चढ़ा रखा है तो मैं इसकी गर्दन पर हाथ लेके या फिर नीचे वाला हाथ खींच के ये गिरा लूंगी, जो भी जैसी भी पोजीशन आती है। वरना अगर मैंने कमर पे हाथ ले लिया, इसको लग रहा है कि डेंजर लेके जा रही हूँ, चित करने वाली हूँ, ये हाथ उतार भी लेती है, उतार के आगे रख लिया, तो मेरे दो पॉइंट हो जाएंगे कमर पे आने के बाद। तीसरा यहाँ पे जैसे उसने मुझे रोक रखा है, बिल्कुल प्रेशर आ रहा है, हाथ नहीं हिल रहा, ना मैं निकाल पा रही, ना मैं चेंज कर पा रही, इतना हाथ ब्लॉक हो गया। ज्यादातर यही पोजीशन आती है, यहाँ ब्लॉक कर लेता है, तो बिल्कुल ब्लॉक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते नीचे, तो हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे और उसके गट्टे को यूं का यूं ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में मैंने बहुत टेक्निक बता भी रखी है, सिंगल लेग आ गई है, तो यहाँ तो हम कैसे भी गिरा सकते हैं, नहीं गिराना आता तो रेड जोन से बाहर ले जाएंगे पुश करके। और इस पोजीशन में वैसे बहुत टेक्निक लग जाएंगी, मोच है, डंडा है, इधर आगे दोरी है, कुछ भी करके हम पॉइंट स्कोर कर लेंगे। हमें क्या करना है, खड़ा होना है, एक बार फिर देखेंगे। जैसे ही हम ब्लॉक होगी, बिल्कुल नहीं कुछ करने दे रही, हाथ रखा, पैर को आगे लिया और हाथ हाथ से मैं मैट को दकाऊंगी और ऊपर की तरफ उठ जाऊंगी, ये यहाँ देखो जोड़ी भी बन रही है। जैसी पोजीशन आती है उसी हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी एक्शन करके पॉइंट स्कोर करने। एक पोजीशन और आ जाती है, जैसे कि यही रोक लिया इसने और दूसरा पैर खड़ा कर लेती है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड में चलेंगे, साइड में चल के हम अगर पैर डाल लें तो और भी बढ़िया है, पैर डाला और उसके पैर के ऊपर प्रेशर देना, इस पैर के ऊपर प्रेशर देंगे, पुश करेंगे और जो दूसरा गट्टे वाला पैर है उसको खींचते चले जाएंगे। एक बार फिर आ जा, ये है दूसरा पैर खड़ा कर रखा है, हमें इसी साइड चलना, उसके पैर के पीछे पैर डाला, इस पैर से खींचूंगी मैं इस पैर को, जो पैर मैंने डाला है, डाले हुए पैर से मैं पीछे की तरफ खींचूंगी इसके पैर को, तो जिस पैर पे वो होल्ड कर रही थी वो पैर ही मैंने पीछे खींच लिया तो ये नीचे की तरफ जाएगी। ये देखो यहां मैं कुछ दाल लगा सकती हूँ, जैसा मैंने बताया पोजिशन जैसी भी आए, वरना ये नीचे आ गई, दो पॉइंट।
तो आज हमने देखा कोई हमें अगर ब्लॉक कर लेता है एंकल अटैक के बाद, तो वहां से कैसे निकल सकते हैं, कैसे स्कोर कर सकते हैं। आप भी इनको लगा के देखिए, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए थैंक यू।